गुड मॉर्निंग हमारे आज का टॉपिक है हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी नाउ व्हाट इज हीमोडायलिसिस? जैसे कि हमें पता चल रहा है हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायलिसिस का मतलब होता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल की मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं जहाँ पर इनकी हाई कंसनट्रेशन है और इधर इनकी लो कंसनट्रेशन है एंड दे विल मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन दिस इज़ कॉल्ड डायलिसिस सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल जैसे कि वेस्ट मटीरियल लाइक यूरिया और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स सो दीज आर द सॉलिड पार्टिकल जिन्हें रिमूव किया जा सकता है सो so, ब्लड uh, से जब हम ब्लड uh, से जब हम यूरिया सॉल्ट जैसे सॉल्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं देन दैट इज कॉल्ड हीमो डायलिसिस सो इन हीमोडायलिस हम नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करते हैं लाइक यूरिया एंड सॉल्ट ये उस कंडीशन में होता है अगर किडनी डैमेज हो जाए किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से या किसी एक्सीडेंट के वजह से तो इस प्रोसेस में हम सबसे पहले ब्लड को पंप करते हैं एक आर्टरी से ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे चिल करते हैं ठंडा करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो हम उसे ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे लेकर आते हैं और एंटी कोगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं क्योंकि हमारी ब्लड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कागोलेट हो जाता है यानी कि वो आ, अगर अगर बॉडी से बाहर निकल जाए तो उसमें क्लॉटिंग हो जाती है जम जाता है तो उसको रोकने के लिए हमें उसे एंटी कोगुलेंट्स मिक्स करने पड़ते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहे देखिए सबसे पहले क्या किया हमने हमने बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला आर्टरी से उसे चिल किया ठंडा किया और से एंटीकॉगलिन के साथ मिक्स किया उसके बाद इस ब्लड को हम डायलाइजिंग ट्यूब में मिक्स करते हैं डायलाइजिंग ट्यूब के थ्रू पास करते हैं नाउ डायलाइजिंग ट्यूब एक इस तरह की ट्यूब होती है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी होती है इसके अंदर आ, ब्लड होगा दे विल बी ब्लड इनसाइडेड और सॉलिड पार्टिकल इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो ये डायलाइजिंग ट्यूब अलाउ करती है कि सॉल्ट और नाइट्रोजन वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए इन डायलाइजिंग ट्यूब से इन टू द लिक्विड दैट सराउंड उसके आसपास पास लिक्विड होता है जिसे हम डायलाइजिंग फ्लूड बोलते हैं तो डायलाइजिंग ट्यूब से वेस्ट uh, मटेरियल बाहर निकल के डायलाइजिंग फ्लूड में आ जाता है सो so इसके आसपास चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूड होता है उसके बाद जब हमारा ब्लड प्योर हो जाता है उसमें से सारा नाइट्रोजन वेस्ट और सॉल्ट बाहर निकल जाता है इस प्योरिफाइड ब्लड को हम बॉडी टेम्परेचर पे वार्म करते हैं वापस कॉगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं राइट और उसे वापस हम अपनी बॉडी के अंदर पंप कर देते हैं इनटू अ वेन राइट तो और दिव दिस एक्ट्स एज किडनी हमारा किडनी का भी काम यही होता है कि ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना यहाँ पर जो हमारी डायलाइजिंग ट्यूब्स हैं वहाँ से भी हमारे नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव हो रहे हैं जो डायलाइजिंग फ्लूइड यूज़ हो जाता है जिसमें बहुत सारा नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठा हो जाता है उसे रिमूव कर दिया जाता है और फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन डाला जाता है इन द मशीन विच इज़ कॉल्ड द डायलाइजर और द आर्टिफिशियल किडनी मशीन ये डायलाइजिंग फ्लूड ये हमारे ब्लड से सिमिलर होता है जैस केमिकली सिमिलर टू द ब्लड लेकिन इसमें सेल्स नहीं होते सो बेसिकली डायलाइजिंग फ्लूड इज ओनली प्लाज्मा वाटर विद सॉल्ट वाटर विद अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज कॉल्ड डायलाइजिंग फ्लूड तो अगर आप यहाँ देखें इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस आदमी की बॉडी से आर्टरी से हमने ब्लड को रिमूव किया है इस पंप की मदद से यहाँ देख सकते हैं आप ब्लड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है फिर हमने इसे इस मशीन में डाला है इस मशीन में अगर आप देख सकते हैं बहुत सारी बहुत सारी डायलाइजिंग ट्यूब्स हैं दे आर ऑल सेलेक्टिवली पर्मेबल या सेमी पर्मेबल जब ब्लड इनसे इनके अंदर बहेगा तो इसमें से वेस्ट मटीरियल बाहर निकल जाएगा अब यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ अ ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट्स ये वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूड में चले जाते हैं इसके अंदर जो ब्लू कलर का लिक्विड है दैट इज़ कॉल्ड डायलाइजिंग फ्लूड यहाँ देख सकते हैं यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग लिक्विड ऊपर की तरफ हम भेज रहे हैं तो काफ़ी सारा वेस्ट हमारा ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूड में चला जाता है और हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है फिर ये प्योरीफाइड ब्लड को हम बॉडी में वापस शिफ्ट कर देते हैं जो यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूड गंदा हो जाता है वेस्ट मटेरियल से उसको हम रिमूव करते हैं सो दिस इज़ अ यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन एंड दिस मशीन इज कॉल्ड अ हीमो डायलाइजिंग मशीन ये काफ़ी बड़ी मशीन होती है लाइक दिस यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से ब्लड को रिमूव किया जा रहा है और किस तरह से बॉडी में वापस ब्लड को शिफ्ट किया जा रहा है इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस और इसमें बहुत वक्त और एनर्जी और मनी लगता है क्योंकि एक किडनी हमारी ब्लड को दिन में अबाउट हंड्रेड से टू हंड्रेड टाइम्स प्योरिफाई करती है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक आर्टिफिशियल डायलाइजिंग मशीन से अपने आप को दिन में सौ बार जोड़ के रखें सो हीमो डाइलाइजिंग मशीन इज़ गुड अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाए बट इट इज़ अ वेरी वेरी कंबरसम प्रोसेस वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस अगर हम बात करें कि पौधे कैसे एक्सक्रीट करते हैं तो पौधों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आते हैं रेजनस टैनन्स एंड ऑयल्स ये डेड सेल्स में स्टोर कर सकते हैं या वैक्यूल में स्टोर कर सकते हैं ओल्ड जाइलम ओल्ड लीफ कभी कभी तो सॉइल में भी एक्सक्रीट कर सकते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा वाटर है तो उसे स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसप्रेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करते हैं और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को भी हम स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करते हैं सो दिस इज एक्सक्रीशन इन प्लांट इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ विल डू द क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट हैव अ नाइस डे थैंक यू